मध्य प्रदेश के इंदौर में नारकोटिक्स विभाग को बड़ी सफलता हासिल हुई। दरअसल नारकोटिक्स विभाग को मुखबिर से सूचना मिली थी कि करोड़ों की ब्राउन शुगर लेकर तीन लोग इंदौर आ रहे। वहीं नारकोटिक्स विभाग ने एक टीम गठित कर घेराबंदी कर तीनों लोगों को करोड़ों की ब्राउन शुगर के साथ पकड़ने में सफलता हासिल की। ब्राउन शुगर की तस्करी करने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को नारकोटिक्स पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। पकड़े हुए आरोपियों से कुल 2 किलो ब्राउन शुगर, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 2 करोड़ से भी अधिक आंकी जा रही है। एक बड़ी सफलता हासिल हुई है नारकोटिक्स को। किस तरह की पूरी कार्रवाई की गई थी, क्या इन आरोपियों से बरामद किया गया और अब तक इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आया? मुखबिर की जो है सूचना प्राप्त हुई थी, उस सूचना के आधार पर जो है पुलिस ने कार्रवाई की है। सूचना जैसे ही मिली तत्काल जो है टीम तैयार की और जो जहाँ डिलीवरी होने वाली थी उस जगह पर पुलिस ने जो घेराबंदी करके उसको पकड़ा है और उसके आरोपी के कब्जे से जो 2 किलो ब्राउन शुगर जो प्राप्त हुई, जिसकी कीमत करीब करीब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 करोड़ के ऊपर है। सर, ये कौन आरोपी है, कहाँ रहते थे? एक आरोपी अजय जैन और दूसरा आरोपी जो है सुशांत मंडल। अजय जैन जो है अनंतपुरी का रहने वाला, इंद्रपुरी के पास में, और दूसरा जो है मोरोद गाँव इंदौर से का रहने वाला है। और अजय जैन जो है पूर्व में भी जो बॉम्बे और जो CBN इंदौर की जो टीम ने उसको पहले भी पकड़ा, जो पेरोल पे चल रहा था, उसको 20 साल की सज़ा हुई थी, अभी पेरोल पे था। पेरोल के दौरान ही उसने जो है फिर से जो है ये घटना घटित की है। हाँ सर, ये कहाँ से लाना बता रहे थे, इसे डिलीवर कर दिया? ये अंतर्राज्यीय गिरोह है, कलकत्ता से इनका कनेक्शन मिल रहा है। एक और आरोपी कालू सिंह जो मंदसौर से लेके आई टीम हमारी, उसको भी गिरफ्तार किया गया। ये क्या कालू सिंह इन्हें बेचता था सर मंदसौर? कालू सिंह इनसे जो है पेडलर का काम कर रहा था, जो इनका लेन देन करता था, उसको हमने 29 का आरोपी बनाया है, जो इनके माल को उठाकर यहाँ से वहाँ भिजवाता था। हाँ सर, इस इन्वेस्टिगेशन में कितने नामों को खुलासा? इसमें अभी लिंक मिल रही है, 4-5 आदमी और हमारी जानकारी में है, जिनके लिए पुलिस जो है पकड़ने की पूरी तैयारी कर रही है। कलकत्ता ये कैसे तस्करी करते थे, कैसे भेजा जाता था इंद्रा? ये अपने इनके निजी वाहन से अभी जानकारी तो नहीं मिली, अंडर इन्वेस्टिगेशन है ये जानकारी, और इस पर काम कर रहे हैं कि इनका जो है क्या लिंक है। आपका